So today we will start the chapter number 5 of Goodbye Mr. Chips by James Hilton. So let's start. When Chips dreaming through the oars at Mrs. Wicket, recollecting those days, he used to look down at his feet and wonder which one of it was that had performed so signal a service. जब चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ ख्वाबों में वक्त गुजार रहा होता तो इन दिनों को याद करता और अपने पाँव पर नजर डालता और हैरत से देखता कि वो कौन सा पाँव था जिसने इस कदर अहम खिदमत को सर अंजाम दिया. दैट द ट्राइबल कॉज ऑफ मैनी मोमेंटस हैपनिंग वॉज द वन थिंग ऑफ विच डिटेल इवेडेड हिम बट ही री सॉ द ग्लोरियस हैम्प ऑफ गैबल. He had never visited the lake district since, and the mouse grey depth of wastewater under the series. He could re-smell the washed air after heavy rain and re-follow the ribbons of the pass across the stayhead. और वो मामूली सी बात जो बहुत से अहम वाकयात की वजह बनी ऐसी थी कि इनकी तफसीलात इसे कुछ याद नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपनी यादों में गैबल पहाड़ी की शानदार ऊंचाई, वो इस वक्त से फिर भी लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था, और स्केरीज के नीचे वेस्ट वाटर झील की चूहे जैसी खाक सरती गहराइयों को देखता, वो मौसलाधार बारिश के बाद धुली हुई फिजा की महक बार बार सूंघता दोबारा सूंघ सकता था और स्टाई हेड को जाने वाले दरे पर दोबारा जा सकता था. So clearly it lingered, the time of dizzy happiness, those evening strolls by the waterside, her cool voice and her grey laughter. ये सब कुछ बहुत वाज़ह तौर पर इसके ज़हन में महफूज था. वो सर चकरा देने वाली खुशी के लम्हात, वो झील के साथ साथ शाम की चहलकदमी और इसकी तस्कीन बख्श आवाज और उसके मुसर्रत आमेज कहके. She had been a very happy person always. They had both been so eager planning a future together, but the had been rather serious about it even a little avid. वो हमेशा खुशबाश रहती, वो दोनों बहुत बेकरार थे और इकट्ठे मुस्तकबिल के मंसूबे तैयार करते थे, लेकिन वो इस बारे में जरा संजीदा था बल्कि थोड़ा सा खौफजदा भी था. इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स, हर कमिंग टू ब्रूकफील्ड, अदर हाउस मास्टर वर मैरिड एंड शी लाइक बॉयज, शी टोल्ड हिम एंड वुड एंजॉय लिविंग अमंगेस्ट देम. ओह चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर. आई वाज अफ्रेड यू वर अ सॉलिकेटर और अ स्टॉक ब्रोकर or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. When I first meet you, I mean school mastering so different, so important, don't you think, to grow up and matter to the world. वाकई इसका ब्रूकफील्ड में आना बहुत खूब होगा. हॉस्टल के दूसरे मास्टर की तो शादियां भी हो चुकी थीं और स्कूल के लड़कों को पसंद करती थी. इसने इसे बताया कि वो इसके दरमियान रहते हुए लुत्फंदोज होगी. ओ चिप्स, तुम जो भी हो मेरे लिए खुशी का बायस हो. मैं खौफजदा थी कि कहीं तुम वकील या दंदान साज या मैनचेस्टर के कपास के बड़े व्यापारी ना हो. मेरा मतलब है तुम कि जब मैं तुमसे पहली दफ़ा मिली, स्कूल का उस्ताद होना काफ़ी मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, कितना अहम है. क्या तुम नहीं समझते इन नौओं को असरअंदाज होना जो जवान हो रहे हैं और दुनिया के लिए अहमियत रखते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन. सो लेट्स स्टार्ट द वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. द फर्स्ट वर्ड इज रिकलेक्टेड. रिकलेक्टेड मीन रिमेंबर्ड. Recalled. The next one is the signal. Signal means important. The next one is the tribal. Tribal means petty, ordinary, common. The next is momentous. Momentous means essential. The next is evaded. Evaded means avoid. The last one is lingered. Lingered means stay, delayed.
सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. चिप्स सेड ही हैड नॉट thought of it like that, or at least not often. He did his best. That was all anyone could do in any job. Chips kehta ke isne is tarah nahi socha tha, ya kam az kam aksar nahi. Isne apni taraf se puri koshish ki thi aur kisi jagah kaam karte hue isse zyada aadmi aur kuch nahi kar sakta. Yes, of course, Chips. I do love you for saying simple things like that. हाँ, यकीनन चिप्स, ऐसी सादा बातें करने की वजह से मैं तुम्हें वाकई मोहब्बत करती हूँ. And one morning, an other memory, Jim Clear, when he turned to it, he had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate himself and all his attainments. और एक सुबह एक और याद जो गोहर की तरह साफ लगती थी जो इसके जहन में थी, वो इस वजह से कि एक शदीद ख्वाहिश के बायस अपने आप को अजियत में मुबतला रखता था. He had told her to his only medicare degree of his occasional difficulties of discipline, of the certainty that he would never get a promotion and his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl, and at the end of it all she had laughed in answer. इसने अपनी मामूली दर्जे की तालीमी इस्तेताद, नज़्म ज़ब्त कायम रखने वाले में वक्तन फवक्तन पेश आने वाली मुश्किलात, अपनी तरक्की की बेयकीनी और एक नौजवान और बुलंद ख्यालात की हामिल लड़की से शादी करने की मुकम्मल नाअहली के बारे में. शी हैड नो पेरेंट्स एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन ईलिंग. इसके वालदैन ना थे और इसकी शादी ईलिंग में रहने वाली इसकी खाला के घर में हुई. On the night before the wedding, when Chips left the house to return to his hotel, she said with mock gravity, "This is an occasion, you know, this last farewell of ours. I feel rather like a new boy beginning his first term with you." शादी से पहले एक रात को जब चिप्स घर से वापस होटल जा रहा था, तो इसने मजा और मुतानत के मिले जुले जज्बात से कहा, ये एक मौका है, तुम जानते हो ये हमारा आखिरी अलविदा है. मैं एक ऐसे नए लड़के की तरह महसूस कर रही हूँ जो जमात में पहली बार तुमसे पढ़ना शुरू कर रहा है. नॉट स्केर्ड माइंड यू, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड. Shall I call you sir, or would Mr. Chips be the right thing? Mr. Chips, I think goodbye. Then goodbye, Mr. Chips. Khauf zada nahi khayal kar rahi, lekin sirf ek dafa mukammal andaaz mein kya main aapko janab keh sakti hoon ya Mr. Chips sahi rahega? Mr. Chips, mera khayal hai khuda hafiz phir. खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स. अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग इन द रोडवे, ग्रीन पेल गैस लैम्प्स फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट, न्यूज बॉयज शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, शेरलॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, गुड बाय मिस्टर चिप्स. सड़क पर एक दो पहियों वाली बग्गीने के गोरे के टप्पू की आवाज़ सुनाई दे रही थी. सब्जी माइल जट गैस के लैम्प सड़क के भीगे हुए रास्ते पर टमटमा रहे थे. अखबार फरोश लड़के जनूबी अफ्रीका के मुतल्लिक शेरलॉक होम्स के बारे में बेकर स्ट्रीट में चला रहे थे. अलविदा मिस्टर चिप्स. सो दिस इज़ द कम्प्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 5, गुड बाय मिस्टर चिप्स. इसमें हम थोड़े वोकैबुलरी वर्ड्स इसमें देख लेते हैं. पैराग्राफ में द फर्स्ट इज एक्यूट. एक्यूट मीन्स कीन. द नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट मीन्स लेसन. द नेक्स्ट इज मोक. मोक मीन्स फॉल्स.
नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स सीरियसनेस, सोबिडिटी. द नेक्स्ट इज फ्लिकरिंग. फ्लिकरिंग मीन्स ब्लिंकिंग, वेविंग.